एक ओर बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के चुनाव में अपना दमखम दिखा रही है और जनता से वादे कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश की 48 महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश की अध्यक्ष और सिंगरौली नगर निगम महापौर रानी अग्रवाल शामिल हुईं, जिनके नेतृत्व में एक बदलाव वाहन यात्रा ईशानगर चौराहे से प्रारंभ होकर मेन बाजार होती हुई तहसील चौराहे से वापस ईशानगर चौराहे पर समाप्त हुई। इसके बाद एक छोटी नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया। हमारा लगभग 50 विधानसभाओं में जिले में हमारा पूरा भ्रमण चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, और लगभग 80 विधानसभा मैंने छू ली है, और इस बार 7 दिनों का बुंदेलखंड में मेरा पूरा दौरा है और जनसंपर्क हो रहा है, दौरे हो रहे हैं, चौपाल लग रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहे हैं, पीसी हो रही हैं, हर जगह जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी पूरी 230 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है उन्होंने भाजपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। जो जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो आज तक जनता को नहीं मिल पाई है। जनता को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, बिजली पानी किसानों को चाहिए, लेकिन आज भी ना भाजपा की सरकार दे पाई है ना कांग्रेस की सरकार दे पाई है। दोनों भाजपा की जो सरकार है दोनों हाथों से जनता को लूट रही, जो जनता का टैक्स का पैसा है दोनों हाथों से लूट कर अपने नेताओं के घर भर रही है, अपने तिजोरी भर रही है। एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। दिल्ली में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम करके दिखाया, जो जनता की सुविधाएँ होती है, शिक्षा, पानी, बिजली और स्कूल, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए 3 बार हमारे वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं और इसी आशीर्वाद पंजाब में भी मिला, और गुजरात में भी हमारे 5 विधायक हैं और गोवा में भी हमारे 2 विधायक हैं। तो पूरी दमखम से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, पूरे जोश के साथ, और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे हम उन मुद्दों को लेकर और दिल्ली के जो मॉडल है उन मॉडल को लेकर हम पूरे घर घर तक पहुंचेंगे। और इस बार जनता पूरे बदलाव के मूड में, आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, पूरी तरह से इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।